नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर। बिहार सरकार किसानों को स्मार्ट बनाने को लेकर काम कर रही है, तो आइए जानते हैं आखिर इस स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया में बिहार में अब किसानों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों को कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक पर आधारित खेती किसानी की फिल्में और किसानों को सफलता की कहानी मोबाइल के द्वारा दिखाकर उन्हें स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब किसान SD कार्ड के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से खेती किसानी के बारे में जानेंगे। एक समय था जब देश में टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी और उसमें कृषि के लिए अलग से एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जो कि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक था। बाद के दिनों में किसानों के लिए एक अलग से चैनल की ही स्थापना कर दी गई और वह आज भी जारी है। ऐसे में अब एक बार फिर से किसानी को लेकर एक नई तकनीक विकसित की जा रही है जिसमें कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब किसानों को स्मार्ट कार्ड और SD कार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि माइक्रो SD कार्ड के माध्यम से किसानों को अब अलग से ज़्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। यह बिना इंटरनेट के भी अपने TV स्क्रीन पर या फिर मोबाइल में उसे देखा जा सकता है। इसको किसान भाई अपने घर बैठे भी स्मार्टफोन पर या फिर LED टेलीविज़न पर इसकी फिल्म को अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय किसानों को कृषि कार्य में स्मार्ट बनाने के लिए निःशुल्क 32 GB का माइक्रो SD कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को कोई राशि चुकाना नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार ने इसकी सफलता को देखते हुए राज्य भर के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। अभी इन राशि से करीब 5000 किसानों को 32 GB माइक्रो SD कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे उसमें अपलोड फिल्मों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से देख सकें, समझ सकें, वैज्ञानिकों की खेती के ओर से मुड़ सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें। किसानों की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निःशुल्क दिए जाने वाले SD कार्ड में कृषि पर आधारित 60 तकनीक फिल्में और 70 किसानों की सफलता की कहानियाँ रहेंगी। इसके साथ साथ खेती किसानी से जुड़ी कई लघु फिल्में भी होंगी। इस SD कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे मोबाइल में डालते ही एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा जो कि ऑफ और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर काम करेगा। यह भी बताया गया है कि 32 GB वाले SD कार्ड में 10 GB मेमोरी खाली रहेगा जिससे कि आप कभी भी किसान जो है उसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने के लिए, किसी डाटा को रखने के लिए या फिर किसी वीडियो को अपने मोबाइल में रखने के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नाबार्ड और मैनेज के सहयोग से 8 और 16 जीबी के करीब 1500 कार्ड जो है अपने विभिन्न माध्यमों से किसानों को उपलब्ध करा चुका है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि इन योजनाओं के तहत राज्य में सैकड़ों किसानों ने कृषि आधारित फिल्मों को देखकर अपनी आमदनी बढ़ाई है और वैज्ञानिक तौर तरीकों से खेती करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब ये देखना है कि बिहार सरकार की तरफ से जो योजना चलाई गई है किसानों के लिए जिसमें कि SD कार्ड के माध्यम से, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसके माध्यम से जो है स्मार्ट खेती कर सकते हैं किसान, कैसे जो है कम आमदनी में भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ बिहार सरकार ने भी जो है एक मुहिम छड़ी है जिसमें 5000 किसानों के पास 32 GB SD कार्ड दिया जाएगा और उससे एक नई तकनीक के माध्यम से किसान जो है अपनी खेती कर सकेंगे। तो खेती को लेकर जानकारी, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।